नमस्कार, रियल टाइम्स इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। सरकार ने सामान्य और दिव्यांग खिलाड़ियों दोनों को सम्मानित किया। टोक्यो पैरालंपिक में देश की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ियों का भी स्वागत किया गया। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित किया और उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का भी नाम ध्यानचंद जी के नाम पर ही रखा गया। और जिन्होंने मेडल देश के लिए जीता है उससे देश का गौरव बढ़ा है, प्रदेश का गौरव बढ़ा है। इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया केवल प्रदेश के ही खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। हम सब देश के कारण हैं और देश हमारी पहचान है, इसलिए हम सब देश के सभी खिलाड़ियों को समान रूप से यहाँ पर सम्मान करेंगे। और आज इस सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है। मैं एक बार फिर से अपने इन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का, मेडल प्राप्त करने वाले सभी यहां पर पैरालंपियंस का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स एवं टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक में भारतीय टीम के जितने भी प्रशिक्षक गए थे उन सभी प्रशिक्षकों को भी राज्य सरकार 10-10 लाख रुपए की राशि उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेगी, जिन्होंने इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। क्रांति की इस धरा पर आप सबको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई, जनप्रतिनिधियों को इसके लिए किए जाने वाले प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद। और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार को प्रधानमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित किया है और उत्तर प्रदेश की अब पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेजर ध्यानचंद के ही नाम पर जानी जाएगी। भाइयों बहनों, पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदेश के खिलाड़ियों को दे जाने का प्रावधान किया गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में संपन्न ओलंपिक गेम्स के पदक विजेताओं और प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को हमारी सरकार द्वारा 19 अगस्त 2021 को राजधानी लखनऊ में एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धारा को नमन करते हुए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।